हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे कुकिंग ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की रेसिपी है सरसों वाली भिंडी। तो फिर चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। ये 200 ग्राम भिंडी है, इसको हम अच्छे से धो करके साफ़ कर लिए हैं और हम इसको कट कर लेते हैं। इसको हम दोनों तरफ से कट कर लिए हैं और बीच से हाफ़ कर लेंगे। इस तरह से हम सारे भिंडी को काट लेंगे। इस तरह से हम सारे भिंडी को काट लिए हैं। अब हम इसके मसाले निकाल लेते हैं। तो इसमें हम लिए हैं 1 चम्मच सरसों, आधा चम्मच धनिया, आधा चम्मच जीरा, आधा 8 से 10 दाने काली मिर्च और लहसुन। अब इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। ये 2 छोटे साइज के टमाटर हैं, इसको हम प्यूरी बनाएंगे। अब बनाना शुरू करते हैं। तो एक कढ़ाई गर्म किए हैं, उसमें हम 2 चम्मच सरसों का तेल ऐड किए हैं। अब हम इसमें कटी हुई भिंडी डालेंगे और इसको अच्छे से हम फ्राई करेंगे। इस तरह से हम मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे इसे। इसको हम पलटते पलटते हुए फ्राई करेंगे अच्छे से। अब ये फ्राई हो चुका है, अब हम इसको दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। अब हम कढ़ाई में थोड़ा सा तेल और ऐड करेंगे और मेथी दाना डालेंगे। इसके बाद मसाला ऐड करेंगे और हम इसको मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे। अब हम इसमें टमाटो प्यूरी ऐड करेंगे और इसको अच्छे से भूनेंगे। अब हम इसमें नमक, हल्दी और लाल मिर्च ऐड कर रहे हैं। नमक स्वाद के अनुसार डालना है, जैसा तीखा खाना है वैसा आप मिर्ची डालें और फिर इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे। इसको अब हम स्लो फ्लेम पे कर देते हैं और ढक करके अच्छे से तेल अलग होने पे भूनेंगे। जब इसका तेल अलग होने लगेगा तो ये अच्छे से फ्राई हो चुका होगा। इसको हम फिर से ढक देते हैं। अब हम इसमें 1 कटोरी पानी ऐड करेंगे। और मसाले को इसमें हम मिक्स कर देते हैं। अब हम इसको ढक करके 1 उबाल आने तक ढक देते हैं। जब ये उबलने लगे तो इसमें हम भिंडी डालेंगे। और मीडियम टू स्लो फ्लेम पे इसको आराम से हम पकने देंगे। बीच बीच में हम इसे चलाते भी रहेंगे।
अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। इस तरह से आप सरसों वाली भिंडी बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।